इस वक्त की बड़ी खबर बीर सिंह पुरपाली से ले रहे हैं, जहां संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की 3 इकाइयां ठप पड़ी हैं। भीषण गर्मी, जब बिजली की बेहद आवश्यकता होती है लोगों को, उसी दौरान ये खबर की 3 इकाइयां ठप पड़ी हैं। यानी 500 मेगावाट की यूनिट बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण ये बंद होना बताया जा रहा है। 210 मेगावाट की 2 यूनिट तकनीकी खराबी के कारण ठप पड़ी हुई है। पावर प्लांट प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है। यूनिट चालू करने के लिए प्रयास करने की बातें भी सामने आ रही हैं। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली पावर प्लांट का ये मामला है। मेंटेनेंस कार्य में लापरवाही की शिकायतें भी हमेशा आती रहती हैं। हर बार जब मेंटेनेंस होता है गर्मी से पहले दौरान लापरवाही बरती जाती है, और अपनी गलती छिपाने के लिए और इस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए तमाम तरह की बातें जो है अधिकारी हमेशा से कहते रहे हैं। हालांकि एक और यहाँ के अधिकारियों की महानता है कि अगर आप जानकारी लेने के लिए फोन करेंगे तो या तो फोन उठेगा, नहीं उठेगा तो मीटिंग का बहाना बनाकर फोन काट दिया जाएगा। यानी यूनिट के अंदर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है वो आप पता नहीं कर सकते। हाँ, आपके विश्वस्त सूत्र है तो यूनिट बंद हो गई है, किन कारणों से बंद हो गई है, ये छोटी छोटी जानकारियां मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये भी बड़ी बात है कि इस भीषण गर्मी में 3 इकाइयां ठप पड़ी हुई हैं। क्या कारण है और अब तक क्या प्रयास किए गए, इसी पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, भीषण गर्मी में 3 इकाइयां ठप होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही इस प्रबंधन की उजागर हो रही है। जी हितकिशोर शर्मा जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा पावर प्लांट है संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, जहां आए दिन यूनिट ट्रिप होने की घटना सामने आती है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, 500 मेगावाट की एक इकाई 19 अप्रैल से यहां बंद पड़ी हुई थी। वहीं यह जानकारी भी सामने आ रही है कि 210 मेगावाट की 3 और 4 नंबर की इकाई अभी ठप हो गई है। यहां मैं बताना चाहूंगा 1340 मेगावाट की कुल क्षमता वाला ये पावर प्लांट है, जहाँ मेंटेनेंस के नाम पर लाखों करोड़ों का घोटाला किया जाता है। यहाँ मेंटेनेंस कराए जाते हैं, मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उस तरीके का मेंटेनेंस नहीं होता जिसका ये अभी हाल में जो यूनिट ट्रिप हुई है वो उजागर करने वाली घटना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में बड़े बड़े घोटाले कर लिए जाते हैं। जब इस संबंध में कोई जानकारी ली जाती है तो या तो वो फोन नहीं उठाया जाता, या पावर प्लांट जाते हैं तो गेट में ही रोक दिया जाता है, जिससे इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। जी बिल्कुल, लेकिन मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मंत्री हैं वो जिस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेहद सक्रिय है, लेकिन क्या मंत्री जी की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर नहीं रहती है, या फिर ये कहा जाए कि उनका कोई कंट्रोल ही इस पर नहीं है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते दिनों यहाँ संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना का जो रख रखाव है उसका कार्य आरम्भ हुआ था। उसके बाद यहाँ जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं उनका दौरा भी हुआ था, जो वो वहाँ से बारीकी जो जानकारियां हैं उनके द्वारा प्राप्त की गई थी, लेकिन उसमें कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आए थे कि वह क्या क्या जांच करके चले गए। आते हैं और यहाँ जांच कर ली जाती है, दौरा कर लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब यहाँ कोई सुधार की बात सामने नहीं आती है तो ये महज खाना पूर्ति ही समझ आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जबलपुर में जो बैठते हैं उनका भी दौरा होता है, प्रदेश स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो भी यहाँ आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ एक पर्यटन स्थल समझ करके आते हैं। जो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में कई ऐसी बातें होती हैं, चाहे वो यहाँ मजदूरी शोषण को लेकर के मामले हों या विद्युत तकनीकी के संबंधी मामले हों, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसका ताजा उदाहरण ये सामने आया है कि मेंटेनेंस के नाम पे जब लाखों रुपए यहाँ पानी की तरह बहाए जाते हैं तो इस तरीके से आए दिन यहाँ की यूनिटें क्यों ट्रिप होती हैं। इस संबंध में अभी संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के जो मुख्य अभियंता हैं वीके कैलसिया, उनसे हमारी फोन से बात हुई है। वैसे कैलाशिया जी जो है वो पिछले बार भी इस तरह का जब घटनाक्रम हुआ था और हमने कोशिश की थी कि कैलाशिया जी से संपर्क किया जाए तो उनका उत्तर था कि मैं अभी मीटिंग में व्यस्त हूँ। क्या आपसे बातचीत हो पाई और क्या कारण बता रहे हैं और कब तक समाधान होगा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीके कैलाशिया जी से बात हुई है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि 500 मेगावाट की जो यूनिट है वो बंद पड़ी हुई थी, जिसको चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं से 210 मेगावाट की जो यूनिट बंद हुई है वो कहीं ना कहीं कोयले की कमी के कारण उनको कम लोड पे चलाया जा रहा है। 210 मेगावाट की एक यूनिट को
बीती रात्रि आरंभ कर लिया गया है, लेकिन यहाँ यह बात भी सामने आ रही है कि अभी तीनों यूनिटें ठप है। हालांकि उनके द्वारा इस बात का खंडन करते हुए कहा गया कि 210 मेगावाट की कल यूनिट चलाई गई थी। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा, कहीं ना कहीं यहाँ कोयले का अभाव भी समझ में आ रहा है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि बीते दिनों जो कोयला ट्रेन की जो दुर्घटना हुई है उसके कारण यहाँ कोयले की कमी बनी हुई है। बहरहाल इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, रैक आएगी और वो होगा। यह बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में कोयले का जो भंडारण है वो मतलब जिस तरीके से करना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम भंडारण होता है, तो ऐसे विषम परिस्थितियों के लिए यहाँ कोयले का अकूत भंडार कर लिया जाना चाहिए, यह बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल, यानी अभी जो कहा जा रहा है कि यूनिट शुरू हो गई है, ये जो जानकारी दी जा रही है ये कहा जाए कि सत्य नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है। चलिए आप नजर बनाकर रखिए, चूंकि भीषण गर्मी में मध्य प्रदेश में बिजली की बेहद आवश्यकता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हमेशा ही इस प्रयास में रहते हैं कि 24 घंटे घरेलू बिजली मिले और किसानों को भी 10 घंटे बिजली मिले। लेकिन सबसे बड़े अगर विद्युत गृह में ये स्थिति है कि वहां 3 यूनिट एक साथ बंद पड़ी हुई है तो ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। अब देखना है समाधान कब तक होता है। हम कोशिश करते हैं कि जो अधिकारी हैं कैलाशिया जी उनसे भी बात हो पाए, अगर वो फोन उठाएंगे तो उनसे भी सवाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपू त्रिपाठी जी आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ वीके कैलाशिया जी मुख्य अभियंता पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति है सर, जो खबर आ रही है कैलाशिया जी की 3 जो इकाइयां हैं वो इस वक्त ठप पड़ी हैं, 500 मेगावाट की जो यूनिट है उसमें कोई वायलर ट्यूब लीकेज के कारण ये स्थिति बनी है। क्या वाकई में अभी जो 3 इकाइयां हैं तीनों की तीनों बंद है या कुछ सुधार की स्थिति बनी है अब तक? नहीं, कल इलेक्ट्रिकल जर्क आया था, दो यूनिट जर्क में ट्रिप हुई थी, जिसमें 4 नंबर हमारी इकाई आज रात में आ गई है और 3 नंबर आ जाएगी, और 500 में एक ट्यूब लीकेज था जो अटेंड हो गया है, परंतु शेड्यूल के पास में जो एक्सीडेंट हुआ है वहां से भी कोल लगातार मिलने न करने के कारण उसका भी होल्ड अप किया हुआ है, वो भी आज चालू हो जाएगी शाम तक। कोयले की कमी नहीं, कमी नहीं है लगातार, क्योंकि ट्रैक ऑफर फिटिंग सप्लाई वो रहता है और वो भी आज शाम तक सभी इकाई चालू हो जाएंगी। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति चूंकि एक इकाई जो है वो 19 तारीख से बंद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन आई है जी। क्या स्थिति है, कब बंद हुई और कितने समय बाद? कल शाम को जर्क आया था, कल तूफान वगैरह चले थे तो 2 इकाई उसमें ट्रिप हुई थी। अच्छा, जिसको आज शाम को चला लिया गया है। हाँ। और दूसरी को चलाने के प्रयत्न चल रहे हैं अभी, और 500 मेगावाट का भी काम हो चुका है, वो भी आज शाम तक आ जाएगी। बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि आज शाम तक 100% जो आपका प्रोडक्शन है वो चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए आपका।